रोड से मंदिर की दूरी करीब 100 मीटर के आसपास है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी गाइज, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी एक घर है और राइट साइड में भी एक घर है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम थी बट शॉर्ट आउट हो गई बैठ के। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड की कमी है तो ये ग्राउंड जैसा लग रहा है। ये मंदिर है माता रानी का, अभी मैं दिखाता हूँ इसका आपको बैक साइड। मेरे कुछ लड़के काम करते हुए यहाँ पर, इसकी बैक साइड है। पहले यहाँ पर ये इतनी चौड़ी जगह नहीं हुआ करती थी, ये अभी चौड़ी जगह हुई है और यहाँ पर जो भी है किचन का काम यहाँ पर होगा। पीछे की साइड बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये है मंदिर की बैक साइड। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर टॉप में, और इसी के साथ माता रानी का मंदिर है यहाँ पर काफ़ी टॉप में, व्यू काफ़ी शानदार है यहाँ से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं ना ही फूड के बारे में बात करने जा रहा हूं, ना ही फ्रूट के बारे में बात करूंगा, मैं आज बात करने जा रहा हूं आत्मनिर्भर इंडिया की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे गाँव कस्बे जो हैं छोटे छोटे, वो आत्मनिर्भर होंगे तो ही हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बन पाएगा। सो एक ऐसी ही मिसाल लेके आया हूँ मैं, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ अपने ही गांव की, जिसका नाम है दुबखड़ जहाँ हम रहते हैं। सो यहाँ पर करीब 45 से 50 परिवार हैं, और हम लोगों ने, क्योंकि बोलते ना एकता में ही शक्ति होती है, तो हम लोगों ने जो 40-50 परिवार हैं हमारे, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये फील्ड हमने जेसीबी बुला के कटवाई हुई है। तो मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी और गांव हैं या कस्बे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हम बन सकते हैं, और मैं भी इससे प्रेरणा लेता हूँ या और भी ले सकते हैं इससे प्रेरणा। सो अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो गाँव के स्तर में हो चाहे वो शहर के। साथ ही साथ गाइज, इस फील्ड की अभी काफ़ी जगह बढ़ चुकी है, पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, क्योंकि नवरात्रों में या फिर कोई भी फंक्शन रहता है तो काफ़ी भीड़ रहती है, तो थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया हो चुका है अभी। और गाइज, जैसे गांव में समूह के थ्रू पैसे इकट्ठा करना, ये बहुत अच्छा काम है, अपने गांव के काम आता है बहुत ज़्यादा ये पैसे। कभी भी अपने गांव के स्तर में कुछ भी कर लो, या फिर किसी की भी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है तो उस टाइम पे भी हेल्प हो सकती है। सो हम सबको ये करना चाहिए। ये था एक छोटा सा वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे और भी गांव प्रेरणा ले सकें। सो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और माता रानी हम सब पर, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो चलते चलते जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।